ये मेरे और मेरे साथियों के सपनों के सच होने का क्षण है, जब समाज के अंतिम पायदान से उठकर भारत का एक आम नागरिक उसी के प्रथम नागरिक के समक्ष इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में पहुंचा है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए, आपके संबोधन, मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे। माननीय महोदय, एक उत्साही प्रशिक्षु से एक संवेदनशील अधिकारी बनने की मेरी यह यात्रा तब शुरू हुई जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र से मैं राष्ट्रीय अकादमी फरीदाबाद पहुंचा। हालांकि अपने साथियों के संघर्षों और संकल्पनाओं की लंबी यात्राओं के सामने मुझे अपना संघर्ष कमतर ही लगता है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मेरा बचपन भी उथल पुथल भरा रहा। कुछ पारिवारिक कारणों से मेरी माँ को अपने बच्चों को ननिहाल में रखना पड़ा, पर उन्होंने कठिन रास्ता चुना और अपने छोटे बच्चे को ननिहाल में छोड़कर इलाहाबाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने चली गई। वह जानती थी कि अगर वह वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर रहेंगी तो अपना और अपने बच्चों के भविष्य का निर्णय ज़्यादा प्रभावी ढंग से कर पाएंगी। महोदय, यह वह समय था जब समाज में ऐसा करना एक महिला के लिए उतना आसान नहीं था, लेकिन भारत की ज़्यादातर मातृशक्ति की तरह वह भी सफल हुई और इस बात ने मेरे भीतर जन सेवा के बीज बो दिए। यही कारण रहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मैंने 2 वर्षों तक बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो के रूप में भी काम किया। वास्तव में इन अनुभवों ने मुझे समस्याओं को अलग अलग किंतु समावेशी आयामों से देखने का एक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है। महोदय, भारतीय राजस्व सेवा का यह बैच भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। जब हमारे जम्मू कश्मीर का कोई साथी कन्याकुमारी के किसी बैचमेट से मिलता है तो मानो कश्मीर के केसर की महक कन्याकुमारी की सीपियों में भर गई हो। जब भारत नेपाल सीमा का एक प्रशिक्षु अधिकारी त्रिपुरा के अपने साथी अधिकारी को जानता है तो उसे यह पता चलता है कि हमारी संस्कृति के प्रतीक नाथ संप्रदाय की जड़ें गोरखपुर से अगरतला तक फैली हुई हैं। ये विविधता में एकता का भाव हमारी आत्मा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, एक सिविल सेवक बनने का हमारा और हमारे घर वालों का सपना तो साकार हो गया, लेकिन हम सब ने एक और सपना देखा है, भारत को एक आर्थिक समावेशी महाशक्ति बनाने का सपना। हम जिन संस्थाओं में पढ़े उनसे बेहतर शिक्षण संस्थाएं बनाने का सपना, हम जिन सड़कों पर चलकर यहां तक पहुंचे उनसे ज्यादा सरपट सड़कों को बनाने का सपना, हमें जीवन में जो अवसर मिल पाए वैसे और उनसे कहीं ज्यादा अवसरों को अपने साथी भारतीय नागरिकों तक पहुंचाने का सपना। और ये सपने हमारे द्वारा संग्रहित राजस्व की शुचिता एवं संवेदनशीलता को और बढ़ा देते हैं, और सपने भी उन्हीं के साकार होते हैं जो सपनों को देखने का हिम्मत रखते हैं। आज के दिन मैं अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया। महोदय, इन सपनों को पूरा करने के मार्ग में आपकी सतत प्रेरणा और पाथेय के लिए हम सभी आपके प्रति सदा अनुग्रहित रहेंगे। जय हिंद। ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर, I am Tina Dabi and I belong to the Rajasthan cadre. I would like to begin by expressing my profound and heartfelt gratitude to the Honorable President of India for giving us time out of his busy schedule to address, guide and inspire us today. It is a matter of great pride and privilege to have got an opportunity to speak about the collective experience of the most memorable journey undertaken by each officer of the 2016 batch of the Indian Administrative Service. This beautiful journey began with the 91st foundation course where officers across the services were trained together. We were not only provided with all possible academic inputs and insights on public administration and good governance, but also through extracurricular activities like the Himalayan trek, village visits, we were able to forge lifelong friendships and develop esprit de corps. Foundation course was succeeded by phase one of the IAS professional training. We got the priceless opportunity to travel across the length and breadth of the country. This Bharat Darshan enabled us not only to see India, but to feel India, to breathe India. On the academic side, classes were held on all subjects and matters that would come handy while executing the duties and responsibilities of an IAS officer. We were then sent out for nearly a year-long district training, whereby we got an opportunity to learn from the best collectors in the country, those people who were actually making a difference at the ground level.
District training was succeeded by phase two training, where we were made to share our varied experience of working in the field from across the country so that we learned the best practices of governance in India and also to learn from each other. Phase two towards the end had a week-long foreign study tour to help us understand the governance models followed elsewhere. When I had joined the service 2 years ago, I did not have much idea on what it really means to be an IAS officer and how an IAS officer could fulfill his or her responsibilities to meet the expectations of this great nation. This training, this two-year-long affair, has taught me and my batchmates to channelize our energies in the right direction, to become individuals who would impart their duties with utmost integrity, devotion, professionalism to solve the troubles of the last man. To conclude, I would like to quote a few lines from the Academy song of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, which echoes in the hearts and mind of all of us, which we all 176 officers have pledged to live by, what this training has really taught us. Raho dharm mein dheer, raho karm mein veer, rakho unnat sheer, daro na. Be firm in your faith, be courageous in action, keep your head erect, fear not. Thank you. परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय एवं सभी उपस्थित महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष और इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने अनुभवों व भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव और सम्मान का क्षण है। महोदय, मैं राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के एक छोटे से गाँव बरनाला से संबंध रखती हूँ, जहाँ लिंग अनुपात एवं महिला साक्षरता दर अभी भी चिंता का विषय है। महोदय, मैं न सिर्फ भारतीय राजस्व सेवा के 68वें बैच का अपितु देश और समाज के उस आधे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हूँ जिसे लड़की होने के कारण जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वंश के उत्तराधिकारी की चाह में एक से अधिक हो गई लड़कियों को स्थानीय राजस्थानी खड़ी बोली में रामघणी और रामनरी जैसे नामों से नवाजा जाता है। उन्हें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता ताकि दहेज के लिए रकम बचाई जा सके। महोदय, अपने गांव से प्रथम सिविल सेवक होने के बावजूद हमें समाज की गलत धारणाओं के उस दंश को भी झेलना पड़ता है जिसमें सिविल सेवा में चयन के उपरांत भी हमें यह सुनने को मिलता है कि यदि गांव के किसी लड़के का चयन हुआ होता तो बात ही कुछ और होती। महोदय, मैं आभारी हूँ उन सरकारी नीतियों की जिनके बूते आज मुझे एक गाँव से राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल तक पहुँचने का अवसर मिला। मैं आभारी हूँ अपने माता पिता की जिन्होंने कभी हम भाई बहनों में भेदभाव नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम तीनों बहनें आत्मनिर्भर बन सके हैं। महोदय, विभागीय दायित्वों से इतर राष्ट्र निर्माण के अपने कर्तव्य के तहत हमने अपने गांव के युवाओं का एक समूह बनाकर विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ करियर काउंसलिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को एक नई दिशा देने के प्रयास प्रारंभ किए हैं। महोदय, राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर अकादमी ने हम प्रशिक्षु अधिकारियों में न केवल तकनीकी कौशल अपितु नैतिक ज्ञान का बीज भी प्रत्यारोपित किया है। अकादमी ने आर हीरोज जैसे कार्यक्रम के माध्यम से विभाग के सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों से हमें रूबरू कराया है, जिससे कि हमें अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता के साथ करने की प्रेरणा मिली है। महोदय, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अकादमी द्वारा दिए गए प्रशिक्षण एवं देश सेवार्थ कर संचय की शपथ का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे और करदाताओं के लिए सेवा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए राष्ट्र निर्माण में तन मन से अपना योगदान देंगे। जय हिंद। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई एम गरिमा सिंह फ्रॉम द झारखंड काडर। टुडे आई हैव रिसीव्ड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट बिफोर यू अ साइनॉप्सिस of the myriad range of experiences that we learn from in our 2 years of training as IAS officers. Our alma mater, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, imparted me with an extensive understanding of my duties as Deputy Commissioner, conducting free and fair elections, lectures by experts on issues plaguing the nation, and other avenues such as understanding my own psychological profile, media interaction, and leadership workshops. While Academy helped me in understanding the basics, the one-year district training in Hazaribagh, Jharkhand, helped me to get in touch with the actual issues at grassroots level. My experiences ranged
from learning the working of multifarious departments of the district collectorate, the implementation and issues related to many central and state schemes as BDO, understanding the complex nature of revenue administration as circle officer, to making Hazaribagh 100% ODF under the Swachh Bharat Abhiyan. I also had an exciting opportunity to work as district social welfare officer, during which we helped in the modernization of 40 Anganwadi centers. This created a sense of doing something worthwhile and meaningful. Since my interest lies in the sphere of social welfare and education, I'm glad I now have a chance to work with the Department of School Education and Literacy. I hope these experiences shared by all my colleagues will help shape us into the well-rounded officers in the service of the nation. Thank you.